हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिस्कवर टुगेदर में। मैं हूं आपकी दोस्त और वो ज्योत्सना त्रिपाठी। तो ये जो ब्लॉग है ये एक्चुअली पूरे वीक का सम अप है, क्योंकि लास्ट पूरा जो वीक था वो बहुत ज़्यादा बिजी वीक था, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, थोड़ा बहुत ऑक्यूपाइड थे। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत जो क्लिप मैंने बनाई हुई है मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो लास्ट मंडे 22 तारीख को हम लोग गए थे पासपोर्ट ऑफिस, क्योंकि गुड्डा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी, हमने उसके लिए पासपोर्ट की एप्लीकेशन दी हुई थी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो बस अभी हम लोग निकल पड़े हैं। हमारी अपॉइंटमेंट 3:30 to 3:45 के बीच में थी, तो अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट समय लगना था। सबसे पहले इशू हो गया है पार्किंग का, इन्होंने 50 रुपए लिए फिर भी यहाँ पर पार्किंग नहीं है, तो अभी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है पार्किंग ढूंढने के लिए। प्रॉपर पार्किंग अवेलेबल नहीं थी, तो गुड्डा गर्मी में परेशान हो रहा था। तो ये है पासपोर्ट सेंटर, पासपोर्ट ऑफिस है, ये एक मॉल के अंदर था जहाँ पर की ग्राउंड फ्लोर में था। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड था, इवन के टोकन के लिए बहुत लंबी लाइन थी। नो गॉड प्लीज नो नो। बट लक ये था कि हमें बच्चे का पासपोर्ट बनवाना था, तो हम इजिली अंदर चले गए। अप्रोक्सीमेटली 40-45 मिनट्स में हमारा सारा वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन का काम हो गया और बस हम लोग घर आ गए। तो यहाँ पर अब गुड्डा को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो यहाँ पर नीचे वो जूस पीने में बिजी हो गया। अब हमें लगाई थी बहुत जोरों की भूख, तो हमने मंगाए थे कुरकुरे मोमोज, और यहाँ पर सबसे स्पेशल थी ये चटनी, बहुत ही टेस्टी चटनी थी। मोमोज इतने खास नहीं थे बट चटनी बहुत अच्छी थी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। यहाँ पर मोमोज के साथ मिली थी 4 चटनी, सबसे अच्छी है ये, हल्की सी खट्टी मीठी, ये तो मैंने ट्राई भी नहीं की। मोमोज भी मैंने ट्राई नहीं की। ओके ओके, नॉट सो गुड। 3 तारीख को थी हनुमान जयंती। शाम को जैसे ही हम नीचे आए तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तूफान सा आ रहा था, और अचानक से बारिश शुरू हो गई। लेकिन गुड्डा की जिद थी कि मंदिर जाना है, तो हम लोग मंदिर आ गए जहाँ पर कि सुंदरकांड का पाठ हो रहा था। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन की गई थी, यहाँ पर सभी लोगों ने मिलकर सुंदरकांड किया, उसके बाद भजन कीर्तन हुआ। मॉल पहुंच गए हैं, तो हम लोग आए हैं गैलेक्सी ब्लू सफायर में, और आते ही देखिए शुरू हो गई गुड्डा की नॉन स्टॉप मस्ती। तो हम आते हैं चुनमन, जहाँ पर ये देख रहे हैं फ्लिपर्स, कैप्स, गुन्नू आ जाओ। यहाँ पर गुड्डा हो गया है बहुत खुश खुश, क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत सारी कलरफुल चीजें मिल गई हैं खेलने के लिए। चुनमुन में हमें कुछ खास समझ नहीं आया, वैसे भी इनके पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड थे इतने छोटे बच्चे के लिए। तो हम लोग आ गए उस बार, क्योंकि वहाँ पर 50% ऑफ पर सेल लगी हुई थी। तो रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गुड्डा बहुत थक गया था और उसे भूख लग रही थी, तो हम आ गए यहाँ पर पेस्ट्री शॉप में। तो गुड्डा के लिए मैंने ली पेस्ट्री, उसे चॉकलेट केक्स बहुत पसंद है। गुड्डा के पास गाड़ी है, बट जब भी वो मॉल जाता है पता नहीं उसे ये गाड़ियाँ इतनी पसंद आती हैं कि बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद गुड्डा को मिल गई है टॉय ट्रेन, तो उसे इस टॉय ट्रेन में एंजॉय करना था, इसकी राइड लेनी थी। Thank you.
गया था तो हमने सोचा क्यों ना डिनर करके चलें। तो बस अभी हमें आगे थे फूड कोर्ट में जहाँ पर हमने अपना डिनर ऑर्डर किया था और उसका इंतजार कर रहे थे। तब तक गुड्डा यहाँ पर अपनी चेयर सेटलमेंट में बिजी था। बहुत थक गया तो उसे नींद आ रही थी, तो बस डिनर के बाद हम लोग घर वापस आ गए। अगले दिन हमारी सोसाइटी में लगा हुआ था समर कार्विनर, गर्मियों के लिए छोटा सा मेला जिसमें थी कि बच्चों के लिए बहुत सारे राइड्स, इसके अलावा मैजिक शो, फैशन शो और बहुत सारी छोटी मोटी स्टॉल्स, कपड़े के बहुत सारे स्टॉल्स थे, इसके अलावा फूड के स्टॉल्स थे। यहाँ पर मैजिक शो शुरू हो गया था तो बच्चे मैजिक शो इंजॉय कर रहे थे। थी मूंगफली का तेल निकालने की मशीन जिसमें कि पीनट्स ऑयल निकाला जा रहा था और यहाँ पर ये बहुत सारे और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑयल्स थे। शुरू हुआ फैशन शो जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आकर के अपना टैलेंट दिखा रहे थे। शुरू हुआ टैलेंट था जहाँ पर कि बच्चों को अपना जो भी टैलेंट था वो दिखाना था और उसके बाद उसके बेसिस पर बिना डिसाइड होने थे। तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।